बच्चों, हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत जो सांख्यिकी विधियों के बारे में हमने बहुत सारे जो पढ़े, हमने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया, उसमें जो ये उपयोग है, ये वाला जो है, ये हम क्या भाग दो जो है उसको हम ले रहे हैं, जिसमें कि इसके पहले भाग एक में हमने आपको बता दिया है कि वो संख्याओं को हम किस तरह से एकत्रित कर रहे थे, कैसे और गणित कर रहे थे, और ये हम कौन सा है भाग दो। तब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे समीकरण जो थे हम उसको कैसे यूज कर रहे थे। अब इसमें देखेंगे परियोजना, जो परियोजना है उसमें जो प्रस्तावित सूचियां हैं उसको हम कैसे उसमें उपयोग करेंगे। तो इसमें देखेंगे स्वयं को ऐसे परिवहन मंत्री का सलाहकार मानकर जिसका उद्देश्य बेहतर या समन्वित परिवहन व्यवस्था को लाने का है, तो एक परियोजना रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मतलब हमारा एक लक्ष्य जो है या उद्देश्य है वो ये तैयार होगा। फिर आप शायद किसी ग्रामीण कुटीर उद्योग में कार्यरत है तो धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती तथा जूट उत्पादन बनाने वाला भी हो सकता है, मतलब कुटीर उद्योग से संबंधित भी हो सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे, मान लीजिए कि आप एक कंपनी के बाजार प्रबंधक हैं, यदि आप बाजार प्रबंधक हैं तो भी आपको आंकड़े एकत्रित करने ही होंगे। इसमें एक उपभोक्ता उत्पादक विज्ञापन देगा, फिर उत्पादक जो है बिक्री विज्ञापन के प्रभाव, उपभोक्ता उत्पादन की सारी चीजें परियोजना के क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। फिर यदि आप एक जिला शिक्षा अधिकारी हैं तो साक्षरता का स्तर का मूल्यांकन, बच्चों के विद्यालय की पढ़ाई छोड़ने का कारण, ये सारी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। इसी तरह से यदि हम मान लें कि एक क्षेत्र सतर्कता अधिकारी के रूप में यदि हमें नियुक्त किया जाता है तो उसमें विक्रेताओं द्वारा सामानों की कीमत कैसे ले हैं, ज़्यादा है, कम है, खुदरा कीमत कैसी है, कहीं वे एक्सपायरी डेट वाले वस्तुएं तो नहीं बेच रहे हैं, इस तरह से दौरा करके हम शिकायत के संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। मतलब इस तरह से हम आंकड़ों को तैयार करते हैं, जो परियोजना हम तैयार करते हैं उसके अंतर्गत यही सारी चीजें दी गई हैं। यदि आपके ग्राम के मुखिया हैं तो क्या करेंगे, यदि स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि हैं तो क्या करेंगे, विकास के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं तो क्या, किन मुद्दों पर आप मुद्दों की पहचान कैसे करेंगे। उसी तरह से खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्य निरीक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, और फिर पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम है तो उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। यदि आप एक बैंक अधिकारी हैं तो किस तरह से उन आंकड़ों का उपयोग करेंगे। मान लीजिए किसी छात्र समूह का या फिर उसके एक अंग है तो उनकी कठिनाइयां, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको आप कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीजें जो परियोजना के अंतर्गत हमें पहले से निर्धारित करना होता है। फिर यहाँ देखेंगे प्रतिदर्श परियोजना, ये मार्गदर्शन के लिए हमें एक प्रतिदर्श परियोजना दी जा रही है जिसके अंतर्गत की कई प्रश्न होंगे। जैसे एक युवा उद्यमी है जो एक खुदरा दुकान स्थापित करना चाहता है और यह टूथपेस्ट के ब्रांडों को चुनना चाहते हैं, जो प्राथमिक स्रोत में आंकड़ों के संग्रह, जो टूथपेस्ट के लिए एक प्रतिदर्श जो है वह परियोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत व्यक्ति या पार्टी को आश्वस्त करते हुए शुरुआत कर सकते हैं कि जो चीजें हैं उसके सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, ना किसी अन्य उद्देश्य के लिए। तो इस तरह से एक आवरण पत्र के द्वारा इसे लिखा जाता है, जो पत्र होता है उसमें लिखा जाता है, और कई सूचनाएं होती हैं जिसको कि गोपनीय भी रखा जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन, जो भी आंकड़े हम एकत्रित करेंगे तो उसको हम किस तरह से करेंगे, जो सूचनाएं हमने संग्रहित की है उसके पश्चात जो है बिक्री होती है टूथपेस्ट के ब्रांडों को चुनने के लिए आंकड़े जो हमने संगठित या वर्गीकृत करना होगा। मतलब हमने जो यहाँ पर टूथपेस्ट हम बेचना चाहते हैं तो हमने पहले उसका सर्वे किया, उसके बाद आंकड़े हमने एकत्रित किए कि व्यक्ति जो है कौन से टूथपेस्ट या कौन से ब्रांड के टूथपेस्ट को अधिक उपयोग करता है, तो हम उसी तरह से अपनी दुकान में उसी चीज को ज्यादा रखेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सांख्यिकी विधियों जैसे दंड आरेख, वृत्त आरेख, माध्य, मानक विचलन आदि के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया क्षेत्र का वितरण, क्षेत्र का वितरण कैसे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में। फिर आयु का वितरण भी दिया हुआ है, 10 वर्ष से कम, 10, 20, 30, ये जो व्यक्तियों की संख्या दी हुई है इसमें 500 व्यक्तियों की संख्या का दिया हुआ है, जिसमें ये आयु के आधार पर उसका वितरण किया गया है। जो प्रयोक्ता जो है ये शहरी क्षेत्र में किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आयु वर्षों में, फिर सेंटीमीटर से कम, मतलब ये आयु वर्षों में भी चाहिए, फिर व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, फिर यहाँ पर लिंग, मतलब इस तरह से जो चार्ट है हम उसको तैयार करेंगे जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे आंकड़े एकत्रित करते हैं। यहाँ पर नाम है, वर्ष है, फिर लिंग क्या है, स्त्री या पुरुष है, परिवार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसमें सदस्यों की संख्या
कितनी है। फिर यहाँ आप लोग देखेंगे मासिक पारिवारिक आय जो है वह क्या है, मतलब महीने में पूरे परिवार की आय क्या है। फिर निवासी, आप शहरी क्षेत्र के हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आपका अर्जन क्या, रोटी कमाओ सदस्य का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो मतलब जो मुखिया है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, सेवा में है, व्यवसायिक है, निर्माता है, व्यापारी है या अन्य कारण है। फिर इसी तरह दांतों की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर या अन्य। फिर किस ब्रांड के टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, एक्वा फ्रेश, सिवाका, एंकर, बबूल। इस तरह से हम आंकड़े क्या करते हैं, परियोजना के अंतर्गत एकत्रित करते हैं। फिर है सांख्यिकी विधियों का उपयोग, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें क्लोजअप के लिए कितने लोगों ने किया, कॉलगेट, मेसवाक, मतलब ये सारी चीजें हुई है जो हमने आंकड़े जो एकत्रित किए हैं, तो उसको फिर हम देखेंगे तो लोगों ने कौन से पेस्ट को या टूथपेस्ट को ने महत्व दी है। फिर हम यहाँ देखेंगे प्रत्येक 100 ग्राम टूथपेस्ट के पैक के लिए चुकाई गई कीमत कितनी है। फिर यहाँ है क्या आपको महंगा लगता है, क्या विनिर्माण तरीके देखते हैं, मतलब इस तरह से ये सारे प्रश्न होंगे जो कि वे हाँ या ना में जवाब देंगे। फिर यहाँ पर देखो उत्पाद में असंतुष्ट होने पर आप कभी उपभोक्ता अदालत गए हैं हाँ या नहीं, इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर के आधार पर हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। इसको हम डाक द्वारा भी भेज के पता कर सकते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी एकत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हम आंकड़े एकत्रित संग्रहित कर रहे थे वह कैसे संग्रहित किए, मतलब ये एक तरह से प्रश्नावली के माध्यम से हम, क्योंकि जो एक फुटकर विक्रेता जो है टूथपेस्ट बेचना चाहता है तो वह उससे संबंधित ये सारे आंकड़े एकत्रित कर रहा है और वह फिर उसकी दुकान में वह उस चीज को बेचने के लिए वह उपलब्ध कराएगा। तो आगे फिर हम और आप लोग को सांख्यिकी से संबंधित जो आंकड़े हम एकत्रित करेंगे उसको कैसे प्रयोग करेंगे वो अगली कक्षा में आपको हम बताएंगे।